दोस्तों कलर साइकोलॉजिस्ट एंजेला राइट कहती है कि हम सभी का कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है जो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज, वेबसाइट्स, एप्स और विजुअल आर्टिस्ट हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कलर्स का यूज करके हमें साइकोलॉजिकली ट्रिक करते हैं। जैसे कि सेल के टैग पे सिर्फ रेड कलर यूज करने से सेल्स 80% तक बढ़ जाती है। वहीं फेसबुक, विंडोज, ट्विटर और एचपी जैसे कई ब्रांड्स अपने लोगों में ब्लू कलर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ट्रस्ट बिल्ड कर सके। वैसे तो अधिकतर लोग कलर साइकोलॉजी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कलर साइकोलॉजी के बारे में हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से जान सको। और साथ ही किसी से मिलने पे आप सिर्फ उनका फेवरेट कलर पूछ के उनकी पर्सनैलिटी और वो कैसे पर्सन है जान सको। कलर साइकोलॉजी को आप अपने बिजनेस, ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट एंड आर्ट और किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो। और कौन सा कलर आपको कब यूज करना है और कब नहीं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इवन दोस्तों हमने रिवायर्स की ब्रांड थीम के लिए कई समय तक कलर साइकोलॉजी की रिसर्च की थी। जो कलर हमारे ब्रांड, हमारी आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटी और पर्पस को रिप्रेजेंट कर सके, वही कलर हमने चुना। खैर, वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट करके अभी बताओ। सो आइए जानते हैं व्हाट योर फेवरेट कलर सेज अबाउट यू। नंबर 1, कलर ब्लैक। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो माहौल को सीरियस कर देता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्लैक कलर पावर, कंट्रोल और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। यही रीजन है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे ब्लैक ड्रेस पहनी जाती है। जिन लोगों का ब्लैक सबसे फेवरेट कलर होता है तो ये दिखाता है कि वो एक सीरियस पर्सन है जो हाईली एम्बिशियस और पर्पसफुल है, पर साथ ही वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल भी है। ऐसे लोग अपनी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं। जहां वो अंदर से कैसे हैं ये वो बाहर से पता नहीं चलने देते। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करते हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ की वैल्यू करते हैं। इसीलिए आप मूवीज में भी मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को अक्सर ब्लैक सूट और ड्रेसेस में नोटिस करोगे। इनफैक्ट हमारे कोर्ट रूम्स में ब्लैक ड्रेस का यूज करा जाता है और कई बिजनेसमैन और रिच लोग इस कलर का यूज करते हैं अपने आप को एक सीरियस पर्सनालिटी की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 2, कलर रेड। रेड कलर साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इस एक कलर के दो रूप हैं, जहां एक तरफ ये कलर पैशन, लव और लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ ये पावर, अग्रेशन और एंगर को भी शो करता है। जिन लोगों का रेड कलर फेवरेट होता है वो लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले पर्सन होते हैं। ऐसे लोग एडवेंचर ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोग रिस्क लेने से ज्यादा डरते नहीं, पर साथ ही ये लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपना सेल्फ सेंटर्ड नेचर सबके सामने रखने से पीछे नहीं हटते। अब क्योंकि रेड कलर ब्लड और फायर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोगों के अग्रेशन को भी बढ़ाता है। साथ ही रेड कलर बाकी सभी कलर्स में सबसे अलग और ब्राइट दिखाई देता है। इसीलिए कई बड़ी कंपनीज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फोन नोटिफिकेशन से लेके अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में भी यूज करती हैं। और जिन लोगों को रेड कलर पसंद होता है वो भी खुद को सबसे अलग और स्पेशल ट्रीट करवाना पसंद करते हैं। नंबर 3, कलर ब्लू। ब्लू कलर को मेंस का कलर भी कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को ब्लू बहुत पसंद होता है। ब्लू एक शॉर्ट वेवलेंथ वाला कलर है जो कूल और काम है। ये मेनली पीस, ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी रीजन की वजह से कई बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस कलर का यूज करते हैं अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ये कलर आपकी वर्क लाइफ में बहुत फायदा कर सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस कलर का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। इस कलर का यूज करके आप लोगों के माइंड को भी ट्रिक कर सकते हो। जैसे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या किसी मीटिंग में, तो आप अपने ग्रे या ब्लैक सूट के अंदर ब्लू शर्ट पहन सकते हो, जो आपको एक लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह शो करेगा और लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। कलर साइकोलॉजिस्ट एंजेला राइट के अकॉर्डिंग तो ब्लू कलर का एनवायरनमेंट क्रिएट करने से आप ज्यादा काम, रिलैक्स्ड और प्रोडक्टिव फील करते हो। अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है तो आप बहुत ही काम पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, जहां आपको अपनी मेंटल पीस सबसे ज्यादा प्यारी है। लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हो। आप ज्यादा किसी का बुरा नहीं सोचते, बस आप हर जगह सुकून से रहना चाहते हो। और ऐसे नेचर वाले पर्सन को हर कोई बहुत पसंद करता है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और उसे कामनेस पसंद है। नंबर 4, कलर ग्रीन। ग्रीन एक शॉर्ट वेवलेंथ वाला कलर है। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है नेचर, मनी, लक और हेल्थ को। ग्रीन ओवरऑल एक पॉजिटिव कलर है। इसे रेड के ऑपोजिट भी यूज करा जाता है। जहां रेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए यूज होता है, वहीं ग्रीन सेफ्टी और हेल्थ के लिए। इनफैक्ट एक स्टडी में देखा गया कि ग्रीन लाइट के एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेंट्स की रीडिंग एबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, वहीं रेड लाइट के एनवायरनमेंट में कम हो गई थी। तभी आपने ये नोटिस करा होगा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मार्केटिंग में हेल्दी प्रोडक्ट्स को ज्यादातर ग्रीन कलर से प्रमोट करा जाता है। अगर ग्रीन आपको बहुत पसंद है तो ये दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, जहां आप हर जगह कुछ अच्छा ही देखते हो। नंबर 5, कलर येलो। येलो कलर सुन के आपके माइंड में सारी अच्छी चीजें आती हैं, है ना? ठंडी में निकलती हुई धूप या गर्मी में येलो कलर का फ्रेश मैंगो। ऐसा इसलिए क्योंकि येलो कलर है हैप्पीनेस, सनशाइन और लाफ्टर का। अगर आपका फेवरेट कलर येलो है तो आप एक लाइट हार्टेड और पॉजिटिव पर्सन हो। रेड की ही तरह येलो भी सबसे अलग दिखाई देता है। स्टडीज में यह देखा गया है कि येलो कलर से हमारा ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जो हमें इनडायरेक्टली अच्छा फील कराता है।
डॉक्टर राइट कलर अफेक्ट सिस्टम में लिखती हैं, येलो कलर क्रिएटिविटी और मेमोरी को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और वो कहती हैं कि जरा से येलो के प्रेजेंस में आने से किसी भी पर्सन की सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए जिन लोगों को येलो बहुत पसंद होता है वो लोग हाई सेल्फ एस्टीम और हाई कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। पर साथ ही बहुत ज्यादा येलो कई बार एंग्जायटी और नर्वसनेस को भी बढ़ा देता है। इसीलिए ज्यादातर लोग येलो कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं। ये कलर कहीं कहीं काम में आता है और काफी जगह नहीं। नंबर 6, कलर पर्पल। पहले के जमाने में पर्पल कलर को रॉयल्टी और लग्जरी का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ अमीर और वेल्दी लोग ही पर्पल कलर के कपड़े अफोर्ड कर सकते थे। पर आज के टाइम पे पर्पल को क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक नेचर के लिए जाना जाता है। जिन लोगों को पर्पल बहुत पसंद होता है वो अक्सर ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर और क्रिएटिविटी बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, पर साथ ये लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं। पर्पल ऐसा कलर है जो कई सारे कलर से मिलकर बनता है, पर फिर भी ये सबसे अलग दिखाई देता है। पर्पल कलर लोनलीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां उस पर्सन की आर्ट ही उसकी सच्ची दोस्त होती है, जो अपने अच्छे बुरे दोनों टाइम में ही किसी न किसी आर्टिस्टिक काम में इन्वॉल्व रहना पसंद करता है। नंबर 7, कलर ऑरेंज। क्या आप खुद को एक प्रोडक्टिव पर्सन की तरह देखते हो, जहां आपको टाइम पे अपना काम खत्म करके सुकून से आराम करना पसंद है? तो इसके हाई चांसेस है कि ऑरेंज आपका फेवरेट कलर हो सकता है, क्योंकि ये कलर रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, वार्म्थ और एंथुसियाज्म को। ईयर 2018 की फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर के प्रेजेंस में लोगों के एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। लोग ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, जिससे उन्हें अपने डिफिकल्ट टास्क को आसानी से करने में बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही ऑरेंज कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और कंपैशन से भी जुड़ा हुआ है, जहां सभी मॉन्क्स लोग ऑरेंज कलर के रूप से पहनते हैं, जो उनकी सिंप्लिसिटी और नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑरेंज कलर को आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, जहां अपने आसपास थोड़ा सा ऑरेंज कलर रखने से आप ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर पाओगे। नंबर 8, कलर पिंक। नाउ ये कलर सुन के आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ मैन को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, तो ये कहना कि पिंक सिर्फ फीमेल्स का कलर है ये गलत होगा। पर आप लड़के हो या लड़की, अगर आपको पिंक कलर सबसे अच्छा लगता है तो ये लव, केयर और प्लेफुलनेस को डिफाइन करता है। आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हो, आप ज्यादा सोशली एक्टिव हो, आपको लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है और आप जो भी करते हो दिल से करते हो। ये कलर भी कामनेस और पीस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही ये बहुत ज्यादा सेडेटिव है। इस कलर को इमैच्योरिटी की तरह भी ट्रीट करा जाता है, तो आप इसे प्रोफेशनल और मैच्योर एनवायरमेंट्स में अवॉइड ही करें। नंबर 9, कलर व्हाइट। व्हाइट रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस, प्योरिटी, फ्रीडम, इनोसेंस और सिंप्लिसिटी को। ज्यादातर लोगों के लाइफ में जब कुछ नया हो रहा होता है तो वो कुछ व्हाइट पहनना पसंद करते हैं, और जिन लोगों को व्हाइट बहुत ज्यादा पसंद होता है वो दिल के साफ लोग होते हैं, अधिकतर किसी का बुरा नहीं सोचते और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए एकदम आगे ही रहते हैं। व्हाइट को हमारा माइंड स्पेस से भी कनेक्ट करता है, इसीलिए US में ज्यादातर लोग अपने घरों में और दरवाजों में व्हाइट पेंटिंग करते हैं, जिससे उन्हें अपना घर बड़ा लगने लगता है। अब जैसे कोई भी व्हाइट चीज बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसीलिए उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। वैसे ही जिन लोगों का व्हाइट कलर फेवरेट होता है वो अपनी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और खुद को एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करते हैं। नंबर 10, कलर ग्रे। ग्रे कलर है बैलेंस का, ना ही डार्क है ना ही लाइट। जिन लोगों का फेवरेट कलर ग्रे होता है उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना ज्यादा पसंद नहीं होता। ज्यादातर इंट्रोवर्टेड लोगों का ये कलर फेवरेट होता है, पर साथ ही ग्रे ज्यादा मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कलर के किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी बिल्कुल सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, ये टाइम के साथ अपने ओपिनियन चेंज करते रहते हैं। ऐसे लोगों को एक सेट पैटर्न पर चलना ज्यादा पसंद होता है। ये लोग बहुत ही सिक्योर और सेफ लाइफ जीना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते और एक सिंपल लाइफ जीते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।